28 प्रकार के नरकों का वर्णन भगवान के नाम का आश्रय अजामिल ने लिया, सदगति हुई अजामिल की। अजामिल का मोक्ष नाम के बल पर हुआ। इंद्र के हाथों वृत्तासुर की सदगति। प्रहलाद जी नाम के भक्त हुए जिनके पिता ने बड़ा अत्याचार किया हिरण्यकश्यपु ने, पर प्रहलाद जी छोटे से थे और छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। किसको नहीं छोड़ा? अपार विश्वास। पिता ने अत्याचार किया, जहर देकर मारना चाहा, हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा, खाई खदान में नीचे, ऊपर से पहाड़ से चोटी से नीचे फेंकना चाहा, लेकिन सब कुछ किया पर प्रहलाद जी का विश्वास कम नहीं हुआ कि मेरे रक्षक जिन्होंने माँ के पेट में मुझे नहीं मरने दिया वो मेरा रक्षक है, वो कहीं मुझे मरने नहीं देगा, और वो मारना चाहे तो फिर कोई बचा नहीं सकता। प्रहलाद जी के विश्वास के सामने हिरण्यकश्यपु का हर प्रयास विफल रहा। होलिका आग में लेकर बैठ गई, पर होलिका तो जल गई पर प्रहलाद जी का बाल भी बाका। पढ़ने के लिए संडामर्क के यहाँ गए प्रहलाद जी ने, बढ़िया पुत्रों को उपदेश किया कि भगवान की भक्ति कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी, हाँ छोटी सी उम्र से भगवान का चिंतन करो। भगवान की भक्ति के लिए ना बुढ़ापे का इंतजार ना करना, बुढ़ापा आएगा इसकी गारंटी कहाँ मैया, बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी है मेरी माँ? कोई गारंटी। इसलिए भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कब कर लो? जवानी में। प्रहलाद जी ने भक्ति की और प्रहलाद जी के हिरण्यकश्यपु ने बोला चल बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशम, कहाँ नहीं है, क्या इस खंबे पर है? हाँ, जो प्रहार किया तो खंबे से भगवान निकल आए। अच्छा बताओ खंबे से भगवान क्यों निकले? आप बताओ बेटा खंबे से भगवान क्यों प्रकट हुए? हाँ क्यों निकले भैया खंबे से भगवान क्यों प्रकट हुए? हुए थे कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं भैया, भगवान खंबे से प्रकट हुए थे? किसके लिए हुए थे? प्रहलाद जी के लिए। प्रहलाद जी के पिता का नाम क्या था? क्यों प्रकट हुए भगवान खंबे से? आज जैसे भी इतने खंबे तोड़ती है एक भी प्रकट नहीं हुए भगवान, क्यों प्रकट हुए बताओ? क्यों प्रहलाद जी के लिए क्यों प्रकट हुए भगवान? जोर से आपके लिए क्यों नहीं प्रकट होते भगवान? क्योंकि प्रहलाद जी ने विश्वास से कहा हां इस खंबे में भगवान है, तोड़ दिया तो प्रहलाद का विश्वास झूठा ना पड़ जाए, भक्त की बात झूठी ना पड़ जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए खंबे से और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः।